सिक्स ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में दो पार्ट्स में, एक रे ऑप्टिक्स है, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपको दो पार्ट्स में करना है, एक रे ऑप्टिक्स एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। अभी जो रे ऑप्टिक्स है, इस रे ऑप्टिक्स में चार पांच चैप्टर्स थे आपके। फर्स्ट था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तीसरा था डिस्पर्जन और फोर्थ है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। So, इसमें भी रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन पूरा हटा दिया, डिस्पर्जन भी हटा दिया, सिर्फ रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब रे ऑप्टिक्स में मेरे साथ मजबूरी यह है कि बिना रिफ्लेक्शन पढ़ाए हुए मैं रिफ्रैक्शन की सारी चीजें आपको नहीं समझा सकता। लाइक रिफ्रैक्शन में कुछ टॉपिक्स हैं जहां रिफ्लेक्शन यूज होता है, तो रिफ्लेक्शन हट गया है सिलेबस से, बट स्टिल मुझे थोड़ा बहुत आपको रिफ्लेक्शन समझाना होगा रिफ्रैक्शन समझने। इसी तरह से डिस्पर्जन हट तो गया है, लेकिन डिस्पर्जन की कुछ चीजें हमें करनी होंगी रिफ्रैक्शन समझने के लिए। तो जो पोर्शन कट गया है मैं डिस्कस करूंगा विदाउट डेरिवेशंस, डेरिवेशंस उसकी डिस्कस नहीं करूंगा। वेव ऑप्टिक्स में तीन चार टॉपिक्स हैं, जैसे एक इंटरफेरेंस है, दूसरा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता था रिजॉल्विंग पावर एंड ऑल, वो सब हट गया। लाइक डिफ्रैक्शन समझिए कि आपके पास सिर्फ 50% डिफ्रैक्शन बचा हुआ। डिफ्रैक्शन के बाद आपके पास एक और है जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन, इसे लिख लीजिए। रिफ्लेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और सिलेबस कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन में आ जाओ, आराम करना शुरू कर दो। जो सिलेबस हो गया है उसी में से पेपर ऐसा बन सकता है कि आपके लिए अच्छा स्कोर करना मुश्किल हो जाए। और आप में से तो सारे ही वो लोग हैं जो जेई और नीट के लिए कर रहे हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट में फिजिक्स में 40 क्वेश्चन ले आना, 35 ले आना, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सिलेबस कम हो गया लेकिन जो हुआ है उसको आप इतना स्ट्रॉन्ग करके जाओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फिजिक्स और नीट या जेई जो भी है आपका उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाए। वजह इसके कि आराम करना शुरू करते हैं, वो सारी एफर्ट्स करो जो चीजें हो चुकी हैं उसी के ऊपर। डिफ्रैक्शन पूरा नहीं कटा जी, पोलराइजेशन डिडक्ट हो गया राशि। वेव फ्रंट बचा हुआ है, वहां से मैं इंटरफेरेंस स्टार्ट करूंगा। चलिए इतना लिख लीजिए, इसको भी स्टार्ट कर। सो ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स में फोर टॉपिक्स है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वेव ऑप्टिक्स में तीन टॉपिक्स है, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। रिड्यूस सिलेबस में रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन हट गया है, डिफ्रैक्शन का कुछ पोर्शन कट गया है, पोलराइजेशन में भी ज्यादा चीजें निकल गई। चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं। स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन। सवाल या सैंपल पेपर तो अभी आए नहीं बच्चे, पिछले साल का तो नहीं देख लिया आपने पुराना सैंपल पेपर कोई, क्योंकि इस साल का तो अभी सीबीएसई ने सैंपल पेपर जहां तक मुझे पता है नहीं दिया। आ गया, चलिए मैं देखता हूँ। आ गया, चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार। हालांकि पैटर्न तो अभी तक तो चेंज नहीं हुआ था सीबीएसई का, देख लेते हैं कहीं और ना हो। पैटर्न चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस वही है, एक आध टाइप का क्वेश्चन अलग से डाल देगा, उसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। सो देखिए रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स ऑफ रे ऑप्टिक्स देखिए,
चलो भाई डिस्कशंस हो गए, अब ना स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ रे ऑप्टिक्स। तो अभी फिलहाल जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो रे ऑप्टिक्स के सारे टॉपिक्स में यूज होगा। पहला है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो देखिए रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का क्या मतलब है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहता है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन सिंपली मींस दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, दैट्स रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी तो इसी लाइट को आप लाइट रे कह सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि लाइट इज अ रे। लाइट रे का कॉन्सेप्ट आता है, रे वो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है जो क्लास 6 से इंट्रोड्यूस होती है। रे ज्योमेट्री में इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। रे ज्योमेट्री का वर्ड है, जब आप पहली बार पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइंस तब आप पढ़ते हो रे। तो रे एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, उसे रे कहते हैं। तो इस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की वजह से आप लाइट को एज अ रे कंसीडर कर सकते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रे ऑप्टिक्स में वो पॉइंट है जहां से लाइट आती है, इज अ सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। अब ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इट कुड बी अ रियल सोर्स और अ वर्चुअल सोर्स, दोनों तरह की सोर्सेस हो सकती है। ऑब्जेक्ट रियल सोर्स भी हो सकती है लाइट की और वर्चुअल सोर्स भी हो सकती है। तो अगर आप इसे ऑब्जेक्ट कह रहे हो और इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज बाहर आ रही है, ये बता सकते हैं लाइट रेज कैसी है, कन्वर्ज हो रही है डाइवर्ज हो रही है लाइट रेज, ये कैसी लाइट रेज है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। अगर लाइट रेज डाइवर्जिंग है तो आपकी जो ऑब्जेक्ट होगी दैट ऑब्जेक्ट इज अ रियल ऑब्जेक्ट। अगर लाइट रेज डाइवर्ज करती है तो आप कहोगे इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट, इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट। एक रियल पॉइंट सोर्स है जहां से लाइट रेज आ रही है और ये डाइवर्ज कर रही है। अगर रेज कन्वर्ज कर रही है, मान लीजिए कुछ ऐसी रेज कन्वर्जिंग, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट होगी दैट ऑब्जेक्ट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आपने क्लास 10 तक जो कुछ भी पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में दैट्स फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। आपके पास एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया हुआ है, जो भी थ्योरी लिख कर देता है दैट इज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। बट कुछ प्रॉब्लम्स आप एंट्रेंसेस में और इनफैक्ट एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस में करोगे जहां आपकी ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगी। तो आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट में कुछ लॉज ऐसे दिखेंगे, कुछ ऐसे रूल्स दिखेंगे जो आपने क्लास 10 तक ना देखे, आपने हमेशा रियल ऑब्जेक्ट देखा। सो अगर रेज डाइवर्ज हो रही है ऑब्जेक्ट इज रियल, बट कहीं कन्वर्ज होती हुई आ जाए तो आपकी ऑब्जेक्ट, आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो लाइट जहां से आ रही है उसका तो साइज बढ़ता चला जाएगा। आप पीछे जाओगे लाइट तो ऐसी आ रही है ना, आप जैसे जैसे पीछे जाएंगे साइज बढ़ता चला जाएगा। किसी रियल ऑब्जेक्ट का साइज इनफाइनाइट नहीं हो सकता, फाइनाइट साइज होगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और ये ऑब्जेक्ट आप उस जगह लोगे जहां रेज मिल रही होंगी, दिस इज योर रियल ऑब्जेक्ट। सो फॉर रियल ऑब्जेक्ट रेज आर डाइवर्जिंग rays are diverging for virtual object rays are converging। तो virtual object के लिए जो rays होंगी वो rays converge करेंगी। converging rays के लिए आप virtual object का concept लेकर आए। object के बाद तीसरा देखिए image।
तो इमेज आपके लिए पर्टिकुलरली वो पॉइंट है जहां या तो रेज मीट कर जाएंगी और दे अपीयर टू मीट, ऐसे पॉइंट को आप इमेज कहो। इमेज पॉइंट है एट विच रेज मीट, या तो रेज मीट कर जाए और दे अपीयर टू मीट। या तो रेज मीट कर जाए और दे अपीयर टू मीट, ऐसा जो पॉइंट होगा उसे आप इमेज कर। इमेज भी आपकी दो तरह की हो सकती है, और इमेज कुड बी रियल और योर इमेज कुड बी वर्चुअल। अगर रेज एक्चुअल में मीट कर रही, अगर आपने कुछ रेज ले ली जो रेज एक्चुअल में कहीं जाकर मीट कर जाती, मान लीजिए ऐसी रेज, अगर ये एक्चुअल में कहीं जाकर मीट कर रही, कन्वर्जिंग रेज है, तो उसे आप कहोगे ये आपकी रियल इमेज, रियल इमेज, कन्वर्जिंग रेज। अगर रेज कन्वर्ज कर रही है तो इमेज रियल है। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि आपकी रेज डाइवर्ज कर रही, ऐसे अगर रेज डाइवर्ज कर रही तो ये आगे कहीं जाकर नहीं मिलने वाली, बट अगर आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये किसी पॉइंट पर मिलती भी दिखेगी, इसे आप कहोगे वर्चुअल। ये डाइवर्जिंग, तो ये तो रेस का पैटर्न है जिसे देखकर आप डिसाइड करेंगे कि ऑब्जेक्ट रियल है, वर्चुअल है, इमेज रियल है या वर्चुअल है। और एक चीज और है, ये जो भी मीट करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तभी तो इमेज है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, सो ये डेफिनेशन कॉमन है। आप रिफ्लेक्शन पढ़िए, आप रिफ्रैक्शन पढ़िए, या आप डिस्पर्शन पीजिए, सबके अंदर जो डेफिनेशन होगी बेसिक, ये कॉमन डेफिनेशन, इतना लिखिए फिर आगे पढ़िए। चलिए इसको रब करता। इसके बाद एक और चीज आती है, फोर्थ। सो एक रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन हो गया जिस पर रे ऑप्टिक्स बेस्ड है, एक ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, एक इमेज का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद एक और प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट में रेस पैरेलल होगा तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट बट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर है। आशा रबर रब करो, नेक्स्ट देख। इसके बाद फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रियल मोटर, रियल रियल, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है,
ना, अगर कहीं भी लाइट के पाथ में आप कुछ ऐसा रख दो जो कि उसके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करे, ये लाइट रे जा रही थी यहाँ, ऐसे लाइट रे है, आपने यहां पर कोई मिरर लगा दिया, तो ये जो लाइट रे है ये अपना पाथ एग्जैक्टली रिवर्स कर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रे कुछ ऐसे पाथ से आ रही थी, यहां आई, यहां से ऐसे आई थी, कहीं कुछ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हुआ जिसकी वजह से पाथ चेंज हुआ, फिर कुछ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हुआ जिसकी वजह से पाथ चेंज हुआ, फाइनली यहां आ गया। आप किसी एक जगह लाइट रे का पाथ रिवर्स कर दीजिए, पूरी जगह हर जगह ये अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी, ये जैसे आई थी एग्जैक्टली बिल्कुल ही वैसे ही वापस चली जाएगी। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। एक जगह अगर आपने पाथ रिवर्स कर दिया तो हर जगह पाथ रिवर्स हो जाएगा। इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा, लाइट रेज रिट्रेस इट्स पाथ। कि जो भी आपकी लाइट रेज होंगी वो पाथ को रिट्रेस कर जाएंगी, जैसे आएंगी एग्जैक्टली वैसी वापस चले जाएंगी अगर आपने बीच में किसी एक जगह भी पाथ रिवर्स कर दिया। ये मैटर नहीं करता बीच में कितने रिफ्रेक्शन रिफ्लेक्शन हो रहे, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, उल्टा चली जाएगी जैसे आएगी। काफी प्रॉब्लम्स प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से सॉल्व होंगे, इतना लिखिए। मैं लिख गया था, चलिए मैं जरा कर रहा हूं। दैट्स प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बाद नेक्स्ट है, अब रिफ्लेक्शन स्टार्ट। तो देखिए रिफ्लेक्शन हट गया है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें रिफ्लेक्शन की आनी चाहिए जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर एक मिरर है मिरर पर अगर आपने लाइट को इंसिडेंट कर दिया, ये जो मैं डैश बना रहा हूं, ये जो इस तरह से शेड कर रहा हूं, इसका मतलब होता है पॉलिश। तो अगर एक पॉलिश मिरर है आपने लाइट रे को इंसिडेंट कर दिया तो लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर ये अपने पाथ को रिट्रेस ऐसे मूव कर देगी, पाथ चेंज हो जाएगा, इसको आप रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस रे को आप कहोगे दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल। अच्छा आप कुछ चीजें मुझे बताना शुरू कीजिए। तीन क्वांटिटीज का मैं नाम ले रहा हूं, एक स्पीड ऑफ लाइट, दूसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा फेस। मुझे बता सकते हो अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? गुड। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, बॉडी सेम मीडियम, सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज होगा, और वो भी चेंज होगा बाय 180। सो रिफ्लेक्शन में स्पीड सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेकिन फेस चेंज हो जाता है बाय 180। तो इसे याद रखिएगा कि ये क्वांटिटीज चेंज होती है। इसके बाद कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ आएगा सिंपल, इसमें लाइट रिवर्सिबल कैसे है? अच्छा, अगर मैं यहां पर मिरर लगा देता तो लाइट आई थी वैसे चली जाएगी। मिरर लगाने के, लाइट का रिवर्सिबिलिटी के लिए किसी एक जगह पाथ रिवर्स करना, यहां पर अगर मैंने पाथ रिवर्स कर दिया तो फिर ये पूरे पाथ को रिवर्स कर देगा। यहां रिवर्सिबिलिटी नहीं फॉलो हो रहा। रिवर्सिबिलिटी के लिए आपको मिरर पर 90 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट करनी है। अच्छा, हाँ भाई, अगर मिरर पॉलिश नहीं है तो प्लेन ग्लास का काम करेगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। सर, चेंज बाय 180 डिग्री, फेस चेंज बाय 180 मींस कि अगर आपने लाइट ऐसे इंसिडेंट करी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट ऐसे आ गई। बस मुझे 2 मिनट दो, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वजाहत का क्वेश्चन है, रिपीट कर दो। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, एक मिरर है, मिरर में आपने एक ग्लास लिया और ग्लास की एक साइड पॉलिश कर, मिरर पर आपने लाइट इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। मिरर पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, उसे नॉर्मल कहते हैं, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम सेम है तो लाइट की स्पीड सेम रहेगी, वेवलेंथ भी चेंज नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। फेस चेंज हो जाता है 180 डिग्री से। सो फेस चेंज को लेके लोग परेशान है, पहले तो फेस ही देख लो। सो इसको मैं डिटेल में लिख देता हूं। इन रिफ्लेक्शन फेस चेंज बाय 180 डिग्री। अब इसके मतलब क्या है कि अगर आपकी इंसिडेंट लाइट की इक्वेशन ये थी, भाई लाइट तो वेव है, ये अभी आपको कुछ दिन पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाया है कि लाइट की इक्वेशन एक्स माइनस ओमेगा। 180 डिग्री फेज का मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसकी इक्वेशन होगी ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। ये इंसिडेंट रे की इक्वेशन है, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन, ये फेज फाई इज 180 डिग्री। तो ये फेस आपका 180 डिग्री से चेंज कर गया। अब क्या होगा, ये इक्वेशन थी इंसिडेंट वेव की। 180 डिग्री फेस चेंज होने का मतलब है कि अगर ये इंसिडेंट वेव है, 180 डिग्री फेस चेंज मींस ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये मैथमेटिकल मतलब है फेस चेंज करने का, ये ज्योमेट्रिकली ऐसे दिखेगी वेव, फेस चेंज। शुजात और सैफ, आपको इसमें परेशानी थी, हाँ जी, हुआ क्लियर? पूछिए। अब अगर ये देखना चाहते हो कि हुआ कैसे इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर जाकर कि फेस में चेंज आया कैसे, तो वो चेंज ऐसा आया, उसके लिए आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आना चाहिए। ये लास्ट ईयर 11th में आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव था, वहां आपने पढ़ा था अगर बाउंड्री रिजिड है, वहां आप क्रस्ट इंसिडेंट करेंगे तो ट्रफ रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाती है, उसी वजह से 180 डिग्री आउट ऑफ फेस आता है। लेकिन ये सिर्फ उसके लिए जिसे थोड़ा सा लास्ट 11th का वेव्स याद है, जिसे याद नहीं है ये काफी है, इतना कि इंसिडेंट वेव की इक्वेशन रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन 180 डिग्री से चेंज। अगर ये इंसिडेंट वेव है देन 180 डिग्री आउट ऑफ फेस मींस ये रिवर्स हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज, फर्स्ट लॉ है कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस एंगल को आप कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को आप कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस,
is equal to angle of reflection. Angle of incidence, angle of reflection के equal होगा. Angle of incidence is equal to angle of reflection. ये first law of reflection. Second law of reflection कहता है तीन rays हैं, एक incident ray है, एक normal ray है, एक reflected ray है. तीनों rays एक plane में light है. Incident, normal and reflected rays all lie in same plane. ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो आपने क्लास टेंथ में भी पढ़े हो. इतना लिख लीजिए. वे सब लिख चुके हैं, रब कर दूं उसको. ये नॉर्मल रे रिट्रेट हो जाएगी. अलीजा, असल में नॉर्मल कोई रे नहीं होती. नॉर्मल प्लेन इस मिरर के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं. लेकिन हाँ, अगर आप इस नॉर्मल के अलोंग आप कोई रे ले लें, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये रे अपने पाथ को रिट्रेस कर दे. लेकिन नॉर्मल कोई रे नहीं है. नॉर्मल तो हम मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं. बट आप अगर नॉर्मल के अलोंग कोई रे लोगे तो वो अपने आप को रिट्रेस कर दे. मुझे बता सकते हो आप लोग, अगर मैंने नॉर्मल की अलोंग कोई रे ले ली तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? एंगल तो आप नॉर्मल से मेजर करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही कहता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होता है. तो जैसे रे गई बिल्कुल वैसे ही रे वापिस आ जाए, तो रिट्रेस कर देगी. तो वो जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की मैं बात कर रहा था, वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से बहुत नेचुरल आता है. तबसुम ये ना, एंगल आप नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो अगर लाइट नॉर्मल ही अलोंग जा रही है तो नॉर्मल का नॉर्मल से एंगल कितना होगा? तबसुम भाई, एंगल आप मेजर करते हो नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है. अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग ही चली जाए तो नॉर्मल के साथ नॉर्मल का एंगल क्या होगा? तब इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो. और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी जीरो. रिट्रेस कर दे. तो देखिए, अब कितने टाइप के मिरर्स आप यूज करते हैं. दो मेजर टाइप के आप मिरर यूज करोगे. एक स्फेरिकल मिरर होता है, एक प्लेन मिरर होता है. एक और टाइप का मिरर होता है जो आपको स्टडी नहीं करना होता है स्कूल में, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत पता हो, पैराबोलिक मिरर. भाई कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जब रिफ्लेक्शन नहीं है सिलेबस में तो क्यों करा रहे हैं. उसका रीजन सिर्फ ये कि जब मैं रिफ्रैक्शन पर आऊंगा और TIR कराऊंगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आपको रिफ्लेक्शन आना चाहिए. जब मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर आऊंगा, टेलीस्कोप कराऊंगा, टेलीस्कोप में मिरर भी होता है, तो वहां आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन कैसे आता है. तो मैं स्किप नहीं कर सकता, डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक चीजें तो मुझे बतानी पड़ेगी. नहीं, शायद पैराबोला और स्फीयर में बहुत फर्क है. अगर आपके पास शायद मैथ्स है तो पैराबोला की इक्वेशन और स्फेयर की इक्वेशन में फर्क होता है. शेप भी देखो तो ये पैराबोलिक शेप है, हर जगह रेडियस सेम होगा. ये स्फेरिकल शेप है, ये पैराबोलिक शेप है, रेडियस चेंज करो, दोनों अलग अलग.
तो ये तीन तरह के मिरर्स हैं आपके पास। पहले देखिए स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। भाई डाउट्स में जब 2 मिनट के बाद मैं चीजें समझा दूं फिर डाउट्स करो। तो पहला है स्फेरिकल मिरर कि अगर आपने एक स्फेयर ले लिया स्फेयर ऑफ रेडियस आर, अब इस स्फेरिकल मिरर का स्फेयर का आप एक पोर्शन काट लीजिए। मान लीजिए मैंने इतना पोर्शन स्फेयर का कट कर दिया, स्फेयर तो ट्रांसपेरेंट होता है, ये पोर्शन ले लिया। अब ये जो पोर्शन है इससे आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर्स बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस साइड को पॉलिश कर। अगर आपने इस साइड को पॉलिश कर दिया, कॉनकेव साइड आपने पॉलिश कर दी, तो रिफ्लेक्शन यहां से होगा, ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। जो बल्ज साइड है जो बाहर निकल रही है इसे कॉन्वेक्स साइड कहते हैं। तो ये जो मिरर हो जाएगा, इस मिरर को आप कहोगे दिस इज कॉन्वेक्स। फिर आपने सेम पीस लिया और आपने इस पीस को यहां से कॉन्वेक्स साइड से पॉलिश कर दिया, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, कॉनकेव साइड से रिफ्लेक्ट होगा, तो इसे आप कहोगे दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज योर कॉनकेव। तो अगर रिफ्लेक्शन उस साइड से हो रहा है जो बल्ज निकली हुई है बाहर की तरफ जो साइड है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अगर रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है इसे आप कहेंगे कॉनकेव। अब ये जो आपने इस पोर्शन कट किया है ये किसी स्फेयर का, तो जो स्फेयर का सेंटर है इस सेंटर को आप कहोगे दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जो रेडियस है स्फेयर का इसे आप कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो स्फेयर का रेडियस है जिसे आप कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां से लेकर यहां तक ये जो पोर्शन हमने काटा है M1 M2 ये वाला इतना पोर्शन जो मैंने काट कर अलग किया इसको अपर्चर कहते हैं। साइज है मिरर का इसे अपर्चर कहते हैं। तो ये जो पूरा साइज है इसे अपर्चर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस मिरर जिस स्फेयर से बना है उस स्फेयर के सेंटर को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जिस स्फेयर से मिरर बना है उस स्फेयर के रेडियस को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, इसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये M1 M2 अपर्चर है, M1 M2 साइज ऑफ द मिरर, इसे आप अपर्चर कहते हैं। ये स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बाद अगर मैं एक प्लेन सरफेस ले लूं, तो देखिए प्लेन सरफेस का मतलब है मैं ऐसा मिरर ले रहा हूं जिसका रेडियस ऑफ सरफेस, ऐसा स्फेयर ले रहा हूं जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत लार्ज है। जैसे जैसे आप साइज बढ़ाओगे ना सरफेस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाओगे, तो वो सरफेस आपकी प्लेन होती चली जाएगी, सरफेस प्लेन होती चली जाएगी। तो अगर आपने प्लेन मिरर ले लिया इसे आप कहोगे दिस इज योर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। अच्छा अब इसके बाद देखो वजाहत क्या पूछ रहा है, कॉन्वेक्स का सेंटर वर्चुअल होता है। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर, हाँ ये वर्चुअल पॉइंट है, कोई रे यहां से पास नहीं कर सकती। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर वर्चुअल पॉइंट है, कोई रे यहां से पास नहीं कर सकती। चलिए इतना लिखिए, इतना लिखिए, जब इतना हो जाए तो बताइएगा। इसमें कोई डाउट यहां तक?
अरबाब जैसे जैसे आप, अगर मैं आपसे कहता हूँ एक कर्व्ड है, एक कर्व दिया हुआ है आपको, मैथमेटिकल एक कर्व दिया, मैं आपसे कहता हूँ इसे प्लेन कर दीजिए। प्लेन करने का मतलब है आप रेडियस बढ़ाते चले जाइए। प्लेन को आप मान सकते हो ना कि एक स्फेयर था जिसका रेडियस इनफाइनाइट था, उस स्फेयर का पार्ट। प्लेन सरफेस इन ज्योमेट्री इज अ स्फेयर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। अरबाब प्लेन का मतलब ही यही। अगर रेडियस बहुत बहुत ज्यादा है तो वो सरफेस आपको प्लेन दिखेगी, ऑलमोस्ट प्लेन। चलिए ये टाइप ऑफ मिरर हो गया। टाइप ऑफ मिरर के बाद प्लेन की प्रॉपर्टी कॉनकेव से मैच करनी चाहिए। अगर स्फेयर से लिया, कॉनकेव का तौहीद आर फाइनाइट होता है। एक सिस्टम जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनाइट है और एक सिस्टम जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, इनकी प्रॉपर्टीज क्यों मैच करनी चाहिए? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर फोकल लेंथ डिपेंड करती है। तो एक सिस्टम जिसकी फोकल लेंथ फाइनाइट है, दूसरे की फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, इनकी प्रॉपर्टीज क्यों मैच करनी चाहिए? तौहीद प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल अलग हो जाएंगी। फोकल, देखिए फोकल लेंथ सिंपल वो पॉइंट है जहां पैरेलल रेज मीट कर जाएं और दे अपीयर टू, तो फोकल लेंथ पॉइंट है एट विच रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट। जो या पैराबोलिक आपके सिलेबस में नहीं होता, स्कूल सिलेबस में पैराबोलिक मिरर नहीं होता, और अपीयर टू मीट तो ये फोकल लेंथ है जहां रेज मीट कर जाए और दे अपीयर टू मीट, दैट्स फोकस। सो अगर मैं एक इस तरह का मिरर ले रहा हूं, भैया बताओगे कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर दिया होगा। इस कॉनकेव मिरर का देखिए ये जो पॉइंट है, अब आप ये डिसाइड करो कि यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, लेफ्ट में या राइट में। अगर ये कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? लेफ्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये जो सेंटर ऑफ द मिरर है ना, इसे पोल कहते हैं। ये मिरर का सेंटर है पोल। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब आपको कुछ याद है कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है? कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? Concave is right. Concave mirror is converging. Yes, this is converging. तो देखो कन्वर्जिंग ज्योमेट्री से आता है, मतलब ये आपको याद रखने की चीज नहीं है कि आप ऐसे रटे इस चीज को कि ये कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग ज्योमेट्री से आएगा। अगर आप ज्योमेट्री समझते हैं ढंग से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको आता है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि रे कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। देखिए वो काम कैसे होगा, आपने यार रे इंसिडेंट कर दी मिरर पर, नॉर्मल ड्रॉप करना है। नॉर्मल जो होगा स्फेयर पर, नॉर्मल का मतलब है स्फेयर के किसी भी पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट कर दो, जो लाइन आएगी दैट इज नॉर्मल टू द स्फेयर। तो अगर मैं आपसे कहता हूं यहां नॉर्मल ड्रॉप करिए, तो इस लाइन को आप सेंटर से कनेक्ट कर दीजिए। लाइन को आपने अगर सेंटर से कनेक्ट कर दिया तो ये नॉर्मल है स्फेयर, दिस इज नॉर्मल ऑफ द स्फेयर। तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे में जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट।
अब हमें डिसाइड करना है कि ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, दोनों पॉसिबिलिटी दे देते, कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे। एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वायलेट नहीं होगा। मान लीजिए इसने ऐसे कर रे को डाइवर्ज कर दिया, अब जब आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लोगे, भाई ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कहीं से भी नहीं दिख रहा कि आई और आर इक्वल है। बताओ कहीं से दिख रहा है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन इक्वल है? दोनों अलग अलग एंगल जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन का एंगल बहुत बड़ा है, इंसिडेंट बहुत कम। तो अगर कॉनकेव मिरर ने इसे डाइवर्ज करना शुरू कर दिया, अगर डाइवर्ज करना शुरू कर दिया तो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा, तो ये डाइवर्ज नहीं करेगा, ये इसीलिए इस रे को कन्वर्ज कर देगा। और ये रे किसी एक पॉइंट से पास होती हुई जाएगी, पैरेलल रे, इस पॉइंट को आप फोकस करते हैं। जी जी, ये फोकस है, फोकस ही है, मैं पॉइंट लिख रहा हूं ना, वजह दैट मींस इट्स फोकस, ये फोकस है, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पोल और फोकस के बीच में जो सेपरेशन होगा इसे हम एफ कह देंगे, और यही एफ आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा इसे आप रेडियस। अब देखो यहां पर मैं एक साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं जो हम लिखेंगे तो बाद में, पहले देखिए लाइट जिस डायरेक्शन में भी जाएगी वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है राइट में, ये डायरेक्शन पॉजिटिव। पहली चीज साइन कन्वेंशन की कि लाइट का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो पॉजिटिव। हर डिस्टेंस आप पोल से मेजर करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पोल का होगा। मैं आपसे कहता हूं फोकल लेंथ मेजर कीजिए, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि फोकस से पोल पर जाओ, हमेशा आप पोल से फोकस पर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जाओ, हमेशा आप पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन से। पोल से आप फोकस जाएंगे, पोल से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएंगे। अच्छा, अस्का को कन्वर्ज और डाइवर्ज में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा, अस्का दो मिनट जरा वेट करना ना, अभी समझाते हैं कन्वर्ज और डाइवर्ज का क्या। तो ये पोल और फोकस के बीच में जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को फोकल लेंथ। अब देखो साइन कन्वेंशन, देखो सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर कर रहे, तो जब आप पोल से फोकस जाओगे तो लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि आपकी जो फोकल लेंथ होगी, दैट फोकल लेंथ वुड बी, अगर आप लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से सी तक जाइए, लाइट राइट में थी, आप लेफ्ट में जा रहे हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका नेगेटिव। ऐसे नहीं मेजर करना कि एफ से पी चले जाओ, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पोल हो। तो ये याद रखने की चीज है कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। अस्का को कन्वर्जिंग में प्रॉब्लम है, देखो भाई कन्वर्जिंग, एक रे मैंने ऐसे ले लिया इसका, ये इंसिडेंट रे ले, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे आपका सेंटर ऑफ किसी एक पॉइंट से पास होगा, उस पॉइंट को आप पोल कर, ये यहां से पास ऐसे गया, ऐसे गया। अब देखिए रेज ऐसे गई और ऐसे मूव कर गए, ये कन्वर्जिंग तो हुआ। अगर ऐसे आकर ऐसे चली जाती, इसे कहते हैं आप रेज दूर चली गई, डाइवर्ज हो गई। अगर रेज किसी एक पॉइंट पर जाकर मिल जाए उसे कहते हैं कन्वर्ज होना, और ये रेज अगर दूर चली जाए इसे आप कहोगे कि ये डाइवर्ज हो गई। अच्छा अब बताइए आप क्या पूछेंगे, सो एक चीज याद रखिएगा, तो यहां से ज्योमेट्री से ही क्लियर हो गया कि जो कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्ज, कॉनकेव मिरर कन्वर्ज।
और फोकस यहाँ देखो एक रियल पॉइंट है, रेज एक्चुअल में पास हो रही है, फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रियल। एक चीज और याद रखिएगा कि यहां जो भी फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। एग्जैक्टली फोकल लेंथ इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये कॉनकेव मिरर के लिए था। लेकिन अगर आप कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हो, लाइक आपने ऐसा ले लिया, देखिए यहां चला गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, सवाल यार इमेज एफ पर बन गया, बिल्कुल इमेज एफ पर बन गया। आपने रे ऐसे इंसिडेंट कर दी और इसके ऊपर ये नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, सो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल। ये जो एंगल है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो रे है ये डाइवर्ज होगी ताकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, इसे आप कहोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे आप कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस करेंगे देन दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। ये पोल है, ये जो लेंथ होगी इसे कहते हैं फोकल लेंथ, ये जो लेंथ है इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। So, यहां अगर आप ढंग से देखें, देखिए लाइट का डायरेक्शन राइट में है तो राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, पोल से फोकस तक जा रहे हो राइट में जा रहे हो तो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रहे हो राइट में जा रहे हो तो दिस इज पॉजिटिव। डाइवर्जिंग होता है कॉन्वेक्स मिरर, फोकस इज अ वर्चुअल पॉइंट, फोकस इज अ वर्चुअल। इतना लिखिए और मुझे बताइए इसमें अगर कहीं कोई डाउट हो। इन सारी चीजों की आपको आगे जरूरत पड़ेगी, रिफ्रैक्शन में भी और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों। अच्छा साइन कन्वेंशन अभी समझाते हैं, जोया लिखवा देता हूँ। ऑब्जेक्ट, अबे सैफ अभी तो मैंने कहीं ऑब्जेक्ट लिखी ही नहीं, अभी लिखेंगे ऑब्जेक्ट साइन कन्वेंशन जब करेंगे, अभी तो सिर्फ फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा है, पहले उसे देख लो कि फोकल लेंथ नेगेटिव और पॉजिटिव ये समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
अब ये रब कर दूंगी सर। जैद तबस्सुम इतना हो जाए बताइएगा मुझे सिर्फ। कजन आएगा भी छुरी तो पढ़ लो। नेक्स्ट देखिए, के बाद देखिए साइन कन्वेंशन। देखिए साइन कन्वेंशन से भी ये कहता है कि सारे डिस्टेंसेस आप पोल से मेजर करेंगे। पहला है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव, इंसिडेंट लाइट के जो भी डायरेक्शंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करेंगे। अच्छा, ये साइन कन्वेंशन रिफ्रैक्शन में भी एज इट इज रहेंगे। सारे डिस्टेंसेस आप पोल से मेजर करेंगे। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होंगे वो सब पॉजिटिव है, इंसिडेंट लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन के डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव एंड डायरेक्शन in distances in direction opposite to that of light are negative. तो लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो सब पॉजिटिव हैं, लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस जाएंगे वो सब नेगेटिव है। देखिए जैसे अगर मैंने आपको ये मिरर दे दिया, लाइक कॉनकेव मिरर दिया, ये आपको पोल दिया कॉनकेव मिरर का, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, यहां ऑब्जेक्ट रखी हुई है, लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से आती है, ये जो डिस्टेंस है इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहोगे, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहोगे, ये ऑब्जेक्ट है आपका। मान लीजिए आपकी इमेज यहां कहीं बन रही है, ये इमेज डिस्टेंस है भी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है। अच्छा, व्यू को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज इमेज डिस्टेंस। अब मुझे आप लोग ये बताना शुरू कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूं, लाइट राइट में जा रही है तो ये पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? भाई आप पोल से स्टार्ट करोगे, ऑब्जेक्ट से पोल नहीं जाओगे, पोल से ऑब्जेक्ट जाओगे। तो जब आप पोल से ऑब्जेक्ट तब जाएंगे तो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइट राइट में आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा।
इमेज डिस्टेंस बताओगे मुझे ये? भाई पोल से इमेज तक जा रहे हो, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो यार। लाइट तो राइट में जा रही है, राइट वाला पॉजिटिव है। तुम पोल से इमेज तक जा रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। भाई ये दोनों चीजें समझ में आई सबके? क्योंकि साइन कन्वेंशन सेम रहता है, रिफ्लेक्शन करो या रिफ्रैक्शन करो। चलो ये सब क्लियर है। अब इसमें कुछ छोटी, अच्छा इसमें कुछ छोटी छोटी सी चीजें याद रखिए। अगर ये जो इमेज बन रही है ना सेम साइड पर, इसे कहते हैं रियल इमेज है। इसे कहते हैं ये रियल इमेज, दिस इज रियल। तो जब भी आपकी इमेज रियल होगी आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा। यहां भी जो आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट, एक रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट है। रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसे याद रखिएगा, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, अगर रियल ऑब्जेक्ट है सो यू इज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। अगर रियल इमेज है, रियल इमेज के लिए भी वी नेगेटिव होगा। अब मान लीजिए रियल इमेज तो तब बनेगी जब एक्चुअल रिफ्लेक्शन होगा। मान लो इमेज यहां बनी, वर्चुअल इमेज है, रेज कहीं और चली गई, आपने प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस कर यहां कहीं इमेज बन रही बिहाइंड द मिरर। एक बार बताओ बिहाइंड द मिरर क्या कभी ऐसा हो सकता है रेज एक्चुअल में मिल जाए? क्या रेज एक्चुअल में कन्वर्ज हो सकती है बिहाइंड द मिरर? नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, यहां तो आ नहीं सकती। तो यहां तो वर्चुअल इमेज बनी। अब मुझे बताओ कि जरा, अगर ये वर्चुअल इमेज है तो ये वाला जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस ये वाला, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पोल से आप इमेज तक जा रहे हैं, लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्टेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये भी याद रखना है कि फॉर वर्चुअल इमेज वी इज पॉजिटिव, और ये हमेशा होगा रिफ्लेक्शन। रियल ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। रियल इमेज सेम साइड बनेगी, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर जाएगी, वी इज पॉजिटिव। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी मिरर। मैंने तो अभी कॉनकेव लेकर शो कर दिया, आप यही काम कॉन्वेक्स से भी कर सकते, इतना लिख लीजिए। तो जिन्हें साइन कन्वेंशन में परेशानी थी, उस्मा सैफ, क्लियर है? हार्दिक, यू क्यों पॉजिटिव होगा? कौन से यू की बात कर रहे हैं आप? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? किस ऑब्जेक्ट के लिए कह रहे हो हार्दिक? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यू हमेशा पॉजिटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं। स्टार्ट मैंने शायद यही था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मान लीजिए रेज ऐसे आ रही हैं आपकी, जरा देखकर बताओ रेज कैसी हैं तुम्हारी, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग रेज है? कन्वर्जिंग रेज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना होगा? इसे आगे प्रोड्यूस करना होगा। जब आप इसे आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये किसी एक पॉइंट पर जाती। फैजान सुनो, सुनो जरा सा ना, वही तो सुना रहा हूं जो तुम पूछ रहे। रेज यहां जाती हुई मिलेगी, जहां रेज मीट कर देंगी ये आपका ऑब्जेक्ट। अगर रेज कन्वर्जिंग है आपके पास तो ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? बिना रिफ्लेक्शन के रेज जहां मीट करेंगी वो आपका ऑब्जेक्ट। तो ये पोल और ये ऑब्जेक्ट
ये डिस्टेंस बताइए मुझे नेगेटिव है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो जब भी आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी बिहाइंड द मिरर होगी, और बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव। हाँ भाई फैजान, सुना था जो मैं बता रहा था? चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू पॉजिटिव। इफ्रा डिपेंड करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पर, दोनों इमेज बन सकती है रियल वर्चुअल। जैसे रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट से भी इमेज दोनों तरह की बनती है ना, रियल इमेज भी बन सकती है वर्चुअल भी बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी। हाँ उसमें इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप अगर एक कॉनकेव लेंस ले लो, कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस के आगे आप एक मिरर रख दीजिए, तो कॉन्वेक्स लेंस की इमेज जो कि वर्चुअल है वो मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो एक केस ही आ जाए। उसमें कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है, तो कॉनकेव लेंस से कोई रे रिफ्रैक्ट हुई वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसकी वर्चुअल इमेज मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ऐसी आएगा। अच्छा जी इसको भी मैं रब कर रहा हूं। अब साइन कन्वेंशन में एक चीज और याद रखिएगा, नेक्स्ट है हाइट के लिए, प्रिंसिपल एक्सिस की ऊपर की हाइट पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस की नीचे की हाइट नेगेटिव। हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, एंड हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। सो प्रिंसिपल एक्सिस की ऊपर की हाइट पॉजिटिव होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट नेगेटिव होती है। मींस अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई है, तो ये हाइट पॉजिटिव है। इमेज अगर इन्वर्टेड बन गई तो हाइट नेगेटिव होगी। चलिए इतना लिखिए। हार्दिक जल्दी लिखो, ये तो है इसमें इतना क्या है, जल्दी लिखो। अच्छा इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेज हैं,
जैसे फर्स्ट रे होती है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो आप जानते हो कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी ये फोकस से पास करेगी, पास और अपीयर टू पास थ्रू फोकस, फोकस से पास हो जाएगी या लगेगा कि फोकस से पास हो रही है, कॉनकेव के लिए फोकस से पास होगी, कॉन्वेक्स के लिए लगेगा कि फोकस से पास हो रही है, रे पासिंग और इंसिडेंट ऑन फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रे फोकस से पास होगी और इंसिडेंट करोगे आप फोकस पर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तीसरा, रे पासिंग थ्रू और फोकस ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस इट पाथ। देखिए इन सब का मतलब क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट कॉनकेव के लिए है, दूसरा वाला स्टेटमेंट कॉन्वेक्स के लिए। तो देखिए फर्स्ट जो रे होगी विच इज पैरेलल टू ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल होगा। सो जो पहली रे है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधे सीधे फोकस से पास हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये फोकस से पास हो रही है, दिस इज रे नंबर वन। रे नंबर टू जो होगी दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये डायवर्ज, पीछे प्रोड्यूस करेंगे फिर पास थ्रू फोकस, ये फोकस हो गया, ये रे नंबर वन। रे नंबर टू जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। सो मान लीजिए ये रे नंबर टू है, फोकस से पास हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, या फोकस पर आप इंसिडेंट कर दो। देखो कॉन्वेक्स में फोकस से पास तो नहीं हो सकती, फोकस पर आप इंसिडेंट कर सकते हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो देखिए आपने फोकस से पास कराई, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, फोकस पर इंसिडेंट करी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गए। फोकस वाली ड्रॉ कर रहा हूं, ये डॉटेड है, एक्चुअल में यहां तक नहीं आई होगी, आपने सिर्फ फोकस पर इंसिडेंट कर दिया, लाइक लाइट बीम ली, आपने सिर्फ इंसिडेंट कर दिया फोकस पर, अपने पाथ को रिट्रेस कर दिया। सो दिस इज रे नंबर टू। तीसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप पास कराओगे, तो जो भी रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, जो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस रे को पास कराएंगे ये रे अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी, और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करा सकते, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट, जैसे आपने इंसिडेंट कर दिया वह रियल पॉइंट नहीं है ना, पॉलिश सरफेस है, पेनिट्रेट नहीं कर सकती रे पॉलिश सरफेस पर,
तो अगर आपने ऐसे कर इंसिडेंट कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रहे। सो दिस इज रे नंबर थ्री, दिस इज रे नंबर थ्री, ये आपकी रे नंबर टू। तो ये तीन रेज बहुत कॉमन रेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है इन तीनों रेज। इतना ड्रॉ करिए। हाँ जी फैजान बोलिए। फैजान तुम्हें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे फॉल्स लग गया? फैजान ऐसा क्या पढ़ लिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में तुम्हें लॉ फॉल्स लग गया पूरा? हाँ सही लिखा है, बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, क्या परेशानी? फैजान क्या परेशानी है? बॉडी तो ट्रैक करती ही है, क्या उसमें दिक्कत है? फैजान न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत लार्ज स्केल के लिए वैलिड नहीं है। लार्ज स्केल पर एक चीज होती है, उसे कहते हैं डार्क एनर्जी, वो अपना रोल प्ले करती है जिसकी वजह से साइज बढ़। स्मॉल स्केल पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ढंग से बिहेव करती है। भैया रब कर दूं, सब लिख चुके हैं। थर्ड पॉइंट, रे पासिंग थ्रू और फोकस ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस इट्स पाथ। रे पासिंग थ्रू और फोकस ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस इट्स पाथ, ये लिखा हुआ है। तो कंफ्यूजन दूर हुआ। न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन छोटे स्केल के लिए वैलिड है। छोटा स्केल का मतलब है कि तुम एक गैलेक्सी तक सकते हो, लेकिन एज अ होल जब यूनिवर्स देखोगे तो फिर वो डार्क एनर्जी फैक्टर आ जाता है जो साइज बढ़ाने। तो वहां जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज करो। तो बेसिकली डार्क एनर्जी की वजह से जो रिपल कर रहा है, ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है। आप लोग लिख लें तो बताइए, आज इसको यहीं छोड़ेंगे, वेडनेसडे से फिर कंटिन्यू करेंगे। आज तो सारा टाइम बेसिक्स में निकल गया। अच्छा अलीजा मैं देख लेता हूं। अच्छा आखिर मैं वेडनेसडे अनाउंस कर दूंगा सारा।